गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सारिका और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपनी रील्स बनाने के लिए कितना और कैसा मेकअप करती हूँ। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। तो चलिए हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे एलमंड ऑयल, जो ये गुड वाइब्स का है। इसको हम थोड़ा सा लेंगे और ऐसे इसको अच्छे से हम अपने हैंड से मसाज कर लेंगे। हमारी स्किन जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। नेक पे भी लगा लेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे ये नेबे जो भी है इस ब्रांड का नाम, इसका प्राइमर एकदम थोड़ा सा लेंगे इतना, और इसको हम आईज के पास यहाँ हर जगह डॉट डॉट करके अच्छे से लगा लेंगे, ताकि जो हमारी स्किन है वो लॉक हो जाए और जो हम मेकअप प्रोडक्ट लगाते हैं वो हमारी स्किन को हार्म ना कर पाए। अप्लाई करेंगे कंसीलर, और कंसीलर भी यही है मेरे लिए, फाउंडेशन भी यही है क्योंकि मैं अलग से नहीं यूज़ करती हूँ। तो ये भी नेबे का ही है और इसका कंसीलर मैं यूज़ करने वाली हूँ। जहाँ भी आपके डार्क सर्कल्स हैं या स्किन पे कोई निशान है वहाँ पे आप इस कंसीलर को अप्लाई कर देंगे, लिप्स के राउंड, नोज पे और थोड़ा सा चेहरे पे भी मैं कर लेती हूँ क्योंकि मैं फाउंडेशन नहीं लगाती तो इसको ही लगा लेती हूँ। तो इसी को थोड़ा थोड़ा सा लगा दूँ। हम इसे ब्रश से भी कर सकते हैं और ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। तो मेरे पास एक क्यूट सा ब्यूटी ब्लेंडर है तो मैं उससे ही करूँगी। जैसे ऐसे डैब डैब करके मिक्स कर लेंगे, ऐसे 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 रब नहीं करना है ना, इससे एकदम इवन लगेगा। आप फर्क देख पा रहे हैं यहाँ, यहाँ की स्किन कैसे दिख रही है, यहाँ की कैसे दिख रही है। ये कंसीलर इसलिए थोड़ा सा लाइट है मेरी स्किन से, तो आप भी कभी भी कंसीलर खरीदो तो थोड़ा लाइट जो आपका शेड है उससे एक शेड नीचे। तो ये हो चुका है हमारा फाउंडेशन ब्लेंड। आप नेक पे भी लगा सकते हो मुझे, ठीक है इतना ही ठीक है, मैं पूरे एंड पे नहीं लगाती, मैं फाउंडेशन भी नहीं लगाती हूँ। तो ये हो चुका है डन। अब इसके बाद हम करेंगे डस्टिंग। उसके लिए हमें चाहिए कॉम्पैक्ट पाउडर। ये कौन सी ब्रांड का है, ब्लू हेवन का ये। तो अब हम यूज़ करेंगे ताकि ऐसा क्रीजी मेकअप ना हो, एकदम मैट फिनिश हो जाता है एक कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने के बाद। तो ये हो गया है, इसके बाद हम अपनी आईब्रोज फिल कर लेंगे। मेरी आईब्रोज बहुत घनी है, बहुत बड़ी है क्योंकि मैं इनको नहीं बनवाती हूँ, बनवाऊंगी कभी। नो 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 नो, मुझे ये बनाने नहीं आता है, फिल करने नहीं आता है क्योंकि मेरी बनी हुई नहीं है ना, तो इसलिए ये उतनी अच्छी नहीं दिखती है। कोई बात, इनका ऐसे करके मैं बना लेती हूँ थोड़ा। अब
इसके बाद हम यूज़ करते हैं आई मेकअप के लिए। ये किस का है आर्टिस्ट शैडो पैलेट, पता नहीं कौन सा है, ये मैंने अमेजोन से खरीदा था ये वाला। तो अब हम आज कौन सा कलर लगाएंगे हम इस, मुझे सबसे ज़्यादा ये ब्राउन कलर पसंद है ये वाला, तो हम ये लगाते हैं। इसके साथ ही आया था ये, मैंने कोई अलग से ब्रश नहीं लिया है मेरे पास, पर मैं इससे भी काम चला लेती हूँ। हाफ में ना ये करते हैं ब्राउन करते हैं डार्क ब्राउन, पहले हम स्टार्टिंग में ना पूरे में एक बार लगा लेते हैं। उसके बाद सिर्फ इनर कॉर्नर पे लगाते, सॉरी आउटर कॉर्नर पे, सो कन्फ्यूजिंग। और ये जो आगे है यहाँ पे हम कोई शिमरी शेड लगा देते हैं, जैसे कि मेरे पास ये वाला कलर है ये वाला, तो ये वाला हम लगा लेंगे अपने इनर कॉर्नर पे। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये वाला आई लुक, आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। ये कुछ ऐसा बन जाता है। तो मेरा आई लुक इतना ही करती हूँ मैं। अब ब्लशर, ये जो है मेरे पास ब्लश है, ये स्विस का है, स्विस। तो इसको यूज़ करते, इसमें चार कलर थे जो टूट गए हैं सब। तो मैं ये वाला कलर यूज करती हूँ, ये वाला। ये मेकअप कैमरे में देख के कर रही हूँ इसलिए ना अजीब दिख रहा है, कैमरे में देखते देखते मैंने कुछ ज़्यादा ही लाल कर लिया, इस तरह से पूरी बदरिया लग रही हूँ। पाउडर लगाना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, कैमरे में सही दिख रहा है पर ऐसे बहुत ज़्यादा है रियल में, मैं कैमरे में देख के कर रही थी हाँ इसलिए मुझे दिखा रही। तो हम इस पर आपसे कोई ज़्यादा हो जाए तो कोई डरने वाली बात नहीं, थोड़ा पाउडर लगा लो। तो मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ ये रेड कलर की, भी हुडा ब्यूटी है। ये मेरी लिपस्टिक हो चुकी है डन। अब हम लगाएंगे मस्कारा और ये है लास्ट। ये किसका मस्कारा है, इस पर लिखा नहीं, जो भी अच्छा ही था क्योंकि मैंने 400 रुपये में खरीदा था। मिस रोज का है लिखा है, मैंने देखा नहीं दूसरी तरफ लिखा। फेक लैशेज भी होती हैं मेरे पास, हैं भी पर मैं नहीं लगाती हूँ, डेली डेली की तो चिपक जाता है उसका ग्लू, फिर उसका ग्लू निकालने में बहुत तकलीफ होती है इसलिए इसी को लगा लो ऐसे से थोड़ा। चलो सब मैं इस, बाकी ना मैं काजल लगाती हूँ ना मैं लाइनर लगाती हूँ।
ओके, तो ये है हमारा फाइनल लुक। सो मैं अपने बालों को ऐसा नॉर्मल कॉम कर लेती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ मैं, कभी कभी मैं कंघी भी नहीं करती, अरे ऐसे रील्स बना लेती हूँ। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और वीडियो को पूरा एंड तक देखा करो गाइस। मैं हमेशा एंड में ही बोलती हूँ ये, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स।